किरण जी, हाउ आर यू? ओके, सो रिगार्डिंग दिस न्यूट्रल वॉक, द ब्लॉकिंग स्टेज सीम्स टू बी ओके. जो पिछला भेजा था ब्लॉकिंग वाला, जो लास्ट सबमिशन किया, दैट सीम्स फाइन. सो वी कैन प्रोसीड विथ स्प्लाइनिंग एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विथ स्प्लाइनिंग. ओके, लेट्स हैव अ लुक. लेट्स फर्स्ट प्ले इट. ओके, इट सीम्स किरण की अभी हमने पहले ग्राफ्स को क्लीन किया जस्ट अपनी इनिशियल प्रेपरेशन के लिए, और उसके बाद तुमने थोड़ा फाइन ट्यून करना अभी स्टार्ट किया. तो थोड़ा अपनी आई को इस्तेमाल करते हुए, ऑडियंस आई को इस्तेमाल करते हुए, यू हैव जस्ट स्टार्टेड फाइन ट्यूनिंग द थिंग एंड इट्स कमिंग आउट गुड. एक अच्छी स्टार्ट है. अदरवाइज दिख रहा है, इसके पैरों को देखें तो अभी सब कुछ अनक्लीन है. इफ वी स्टार्ट लुकिंग एट एवरीथिंग, अभी जस्ट स्टार्ट किया, अभी हमने क्लीनिंग कुछ फिनिशिंग एंड पे नहीं है. यू वॉन्ट रिव्यू इन द मिडवे. ठीक है, तो मैं आई विल गाइड यू समथिंग. कि दिस स्टेज, तुम पहली बार लाइफ में ये वर्क फ्लो हैंडल कर रही हो, ब्लॉकिंग के बाद स्प्लाइनिंग, जो कि हाईएस्ट एनिमेशंस के लिए इस्तेमाल होना है. जो अभी सीखोगी वो एक हाईएस्ट एंड एक्टिंग शॉट भी कोई हॉलीवुड का कर रही होगी, तो उसमें भी यही वर्क फ्लो इस्तेमाल होगा. इसी तरह से अप्रोच की जाती है प्रॉब्लम. तो यहाँ हम सीख रहे हैं कि कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच करना है. और पहली बार स्प्लाइनिंग करते हुए बड़ी घबराहट भी होती है, क्योंकि इट लुक्स टू कॉम्प्लिकेटेड. दैट्स वाई पहली बार कैरेक्टर बहुत सिंपल दिया जाता है, जिससे हैंडल करने के लिए बहुत ज्यादा कंट्रोल ना हो. लेकिन इसमें भी घबराहट हो सकती है कि कैसे सब ठीक होगा. तो आई विल गिव यू अ स्मॉल टिप कि यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, काफी अच्छा पहुँच गए हैं. इससे नेक्स्ट में, अभी ये जो मेन बॉडी है ना, एक तो ये मूव कर रही है आगे, एक लेफ्ट राइट मूव कर रही है, एक रोटेट कर रही है, एक ऐसे भी रोटेट कर रही है. तो बारी बारी से पासेस में चीजों को ठीक कर. सबसे पहले हम सिर्फ उसकी जो आगे की मूवमेंट है ना, सिर्फ उसको बिलीवेबल बनाने की कोशिश कर. दैट्स इट, समझ ले यही तेरा टास्क है, और कुछ है ही नहीं सीन में. तेरी तेरी जॉब ही ये है कि जस्ट हैव टू यू नो गेट दैट मूवमेंट करेक्ट जो हम साइड से देख रहे हैं, यानी कि विच वी आर लुकिंग इन द साइड व्यू. इस साइड व्यू में जो देख रहे हैं, जस्ट टारगेट कर कि ये मूवमेंट बिलीवेबल हो. तो इसमें जैसा हमने सीखा हुआ है कि वी डोंट ओनली सी द टेक्निकलिटीज, वी यूज अवर राइट ब्रेन, वी यूज अवर ऑडियंस आई, वी जज जस्ट विद अवर ऑडियंस आई, विद अवर आर्टिस्टिक आई, अपनी आंख से अंदाजे से हम जज करने की कोशिश करते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है. तो अगर हम इस तरह से देखें इसको, लेफ्ट साइड व्यू को जस्ट प्ले करते हैं, तो देखो क्या लगता है. ऐसा लग रहा है जैसे ब्रेक के मार मार के चल रही होती है, जैसे रुकी ढक ढक ढक, है ना. तो ये जो जजमेंट आई ने जो जज किया, वो करने के बाद अब उसको सॉल्व करने की कोशिश करो कि ऐसे रुक रुक के चलने का मतलब ये हुआ कि जब वो ऐसे जा रही है तो उस पॉइंट पे हो सकता है स्लो इन स्ट्रॉन्ग है, स्लो एंड स्ट्रॉन्ग है, या कुछ होल्ड है फिर तेज जाती है. तो एक इस वाले ग्राफ में जो नेचर है उस ग्राफ का, वो उसको रोक रोक के चला रहा है. तो पहले सिर्फ इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश कर कि ये रोक रोक के ना चलाए, इट शुड लुक वेरी फ्री. वो रोबोटिक सा लग रहा है, फंसा फंसा लग रहा है. ये देख, है ना, रुक रुक के झटके मार मार के. तो अभी वो घबराहट मत लेना कि घूम ऐसे कैसे घुमाना है उसके सिर वगैरह को, बारी बारी से हैंडल हो सकता है. ये चीज को ठीक करने के लिए चाहे तू ब्लैक वो 7 दबा देना माया का, और सिल्वेट में देखना, ताकि सिर्फ यही प्रॉब्लम दिखाई दे कि वो रुक रुक के क्यों चल रहा है. तो ये जो ट्रांसलेट जेड है मोस्ट प्रॉब्लम, हाँ ट्रांसलेट जेड को ठीक कर. ठीक है, ट्रांसलेट जेड प्लस वाई का थोड़ा सा रोल होगा शायद. सिर्फ पहले ये कर, वो ठीक होगा तो बहुत अच्छा लगने लग जाएगा खुद को. जब ये ठीक कर रही होगी, उसके साथ
अब पैरों को भी हैंडल करने लग जा, क्योंकि उनका थोड़ा सा रिश्ता सिर के साथ है, तो पैर पुश करते हैं, उस थोड़ा थोड़ा ट्यून करने लग जा, ज्यादा उसको क्लीन मत कर, लेकिन जब ये करेगी तो अगर तेरे को ये पैर, ये जो स्लाइड वगैरह कर रहे हैं, ये सब इन प्लेस होंगे, जो बेसिक सी चीजें करने वाली हैं वो अगर कर लेगी तो तुझे कंस्ट्रेंट बॉडी के पता चल जाएंगे, तो दिमाग फिर ठीक से देखने लग जाता है कि अच्छा ये पैर यहाँ पे इतनी देर जमा रहेगा तो क्या होना चाहिए। तो थोड़ा पैर को जो बेसिक क्लीनिंग है, जो फालतू की स्लाइड हो रही है, जैसे ये हो रहा है ऊपर जा रहा है, ये सब ठीक कर ले, बेसिक कोई स्लिप स्लाइड नहीं होना चाहिए, और सिर्फ ट्रांसलेट जेड को ठीक कर। इतना अचीव होने के बाद फिर लेयर बाय लेयर हम काम करेंगे, राइट है जी? ऑल राइट, गोइंग वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत जबरदस्त एनिमेटर बनेगी, टेंशन नहीं लेना। ऑल राइट, सी यू।